इस्लामी माशरे या रियासत का जो पहला सुतून है, रुकने रकीन, वो तो सूरह हुजरात की पहली आयत में आ गया। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बिना चूनो चरा, जहां हुक्म खुदाबंदी और हुक्म रसूल आ जाए रुक जाना, कोई कानून कायदा, कोई अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत के मुनाफी न हो। लेकिन ये दस्तूरी और कानूनी बुनियाद है। मिल्ली जिंदगी, हयात मिल्ली में एक और जरूरत भी होती है, इसलिए कि इंसान में जज्बात भी है। मुख्तलिफ अफराद को जोड़ने के लिए एक सीमेंट सब्सटेंस चाहिए और वो जज्बाती। किसी शख्सियत के साथ जज्बाती लगाओ, किसी कौमी हीरो के साथ मोहब्बत, ये बांधती है एक दूसरे को, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश, उन्हें इमिटेट करना, गांधी का अंदाज इख्तियार करना, नेहरू कैप इख्तियार कर लेना, जिना कैप इख्तियार कर लेना, नेहरू कट वास्कट पहनना, माओ ज़ेदुंग का जैकेट पहनना, सब क्या है। फिर 50-50 गज ऊंचे मुजस्मे गांधी के बनाना, माओ ज़ेदुंग के बनाना, स्टालिन के बनाना, किस लिए? ताकि अजीम शख्सियत की छाप पड़ जाए लोगों के ऊपर, उनके जज्बात जो है उनमें एक शख्सियत से मोहब्बत, एक शख्सियत से अकीदत रच बस जाए और ये उन्हें जोड़ दे आपस में। ये एक जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको ये सारी मिसालें बताई। क्यों बताई? यहां तक कि अगर कोई हीरो ना हो तो हीरो बनाना पड़ता है, ताकि उस हीरो की हीरो वर्शिप, तो वर्शिप का लफ्ज तो बहरहाल हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन उस हीरो से मोहब्बत, उसके इत्तेबा का जज्बा, उसका एहतराम, उसका अदब, ये दर हकीकत इंसानी सकाफत और तहजीब की बुनियाद बनती है। इस्लामी माशरे में वो शख्सियत जो है कोई मसनूई बनाने की जरूरत नहीं है, वो दिल आवेज शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत के बाद रसूल की मोहब्बत, और फिर सारी मोहब्बतें उनके ताबे। हुज़ूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन से, उसके बेटों से और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। और कुरान मजीद में आपको मालूम है आयत नंबर 24 सूरह तौबा की, वहां तो बहुत जबरदस्त धमकी आई है, फौल इनकाना आबाओकुम व अबनाओकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही व अल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन। ए नबी, इनसे कह दीजिए, देखो सुन रखो, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपनी बीवियां, अपने रिश्तेदार, अपने भाई और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं और वो कारोबार जिनमें कसाद का, मंदे का खौफ रहता है और वो हवेलियां और कोठियां और महल जो तुमने बनाए हैं बहुत महबूब हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, तो जाओ दफा हो जाओ, उधर बैठो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे, और अल्लाह ऐसे नाहंजारों को हिदायत नहीं देता। तो ये है दर हकीकत दूसरी शख्सियत मुसलमानों को जज्बाती तौर पर एक दूसरे करीब लाने की। जब मेरा भी एक जज्बाती ताल्लुक हुजूर के साथ होगा, आपका भी होगा, तो हमारा ये हुजूर के साथ ताल्लुक हमें भी करीब लाएगा एक दूसरे से, उनकी मोहब्बत के रिश्ते में हम बंध जाएंगे आपस में। और अगर हुजूर की शख्सियत के साथ कोई गुस्ताखाना तर्ज अमल इख्तियार कर लिया जाए, उनकी बात की परवाह न की जाए, तो फिर जाहिर बात है कि इस्लामी माशरा जो है वो मुंतशिर हो जाएगा। चुनांचे हम ये देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी उम्मत है और 1400 बरस गुजर चुके हैं, इसमें जो एक कल्चरल होमोजेनिटी है, यकसानी है, आपको इंडोनेशिया का मुसलमान मिलेगा, वही अंदाज उसका, वो दाढ़ी है उसके, उसका वही अंदाज, लिबास
ठीक है तहबंद हो कुछ हो, लेकिन वो घुटनों से ऊपर होगा, महसूस होगा कि कोई है, कोई शय है इनके दरमियान मुश्तरक। नमाज के लिए खड़े होंगे बैतुल्लाह के गिर्द तो सब नमाज पढ़ेंगे और किसी की नमाज टूटेगी नहीं कहीं। ज्यादा फर्क ये होगा कोई रफायदेन ज्यादा कर रहा है, कोई आमीन बिल जहर जोर से कह रहा है, बस अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी ये कि क्याम है, उसके बाद रुकू है, फिर कौमा है, फिर सजदा है, फिर जलसा है, फिर सजदा है, फिर इसमें कुछ तरतीब में फर्क नहीं। ये वो चीज है जिसने इस उम्मत के अंदर कल्चरल होमोजेनिटी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी पैदा की है। नस्लन बाद नस्ल, नस्लन बाद नस्ल, हम किसी और हीरो को वो मकाम देने को तैयार नहीं। इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, ये जायरीन हरीम मगरिब हजार रहबर बने हमारे, हमें भला उनसे वास्ता क्या जो तुझसे नाशना रहे। ये जो हमारे यहां कोशिश हुई कायद आदम को हीरो बना दिया जाए, मोहतरमा फातिमा जिना को आइडियल बना दिया जाए, उसकी यहां तक इंतहा हुई है पाकिस्तान में। मेरा तालिब इल्मी का दौर है ये कि एक साहब ने लिखा था, आज की औरत के लिए फातिमा बिनते मोहम्मद नमूना नहीं है, नमूना फातिमा जिना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जे निस्बत खाक राबा आलम पाक। उनका अपना मकाम है, उन्होंने कायद आजम की जैसे खिदमत की है, साथ दिया है सारी उम्र, हम उनकी कदर करेंगे। लेकिन हमारे लिए काबिल इक्तदा, काबिल इत्तबा वो फातिमा बिनते मोहम्मद है, आयशा ज़ौजाए रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इत्तबा करेंगे। हीरो हमारे वो है। ये जायरीन हरीम मगरिब, जो मगरिब की तहजीब में रंगे हुए लोग हैं, हजार रहबर बने हमारे, हमें बना उनसे वास्ता क्या जो तुझसे नाआशना रहे। हमारे लिए तो दर हकीकत एक मेयार होगा, मोहम्मद से जो जितना नजदीक हमारे दिलों में उतनी ही उसकी कदर कीमत होगी, मोहब्बत होगी। जो जिस दर्जे में मुत्तबाए मुत्तबे रसूल है उसी दर्जे में हमारे दिलों में उसके लिए एहतराम होगा, अदब होगा, मोहब्बत होगा। अब इसमें जो रखने पड़ रहे थे असल में, इसके तारीखी पस मंजर को समझ लीजिए। ये जो सूरह हुजरात है ये मुसहफ में सूरह फतह के फौरन बाद है। सूरह फतह से दर हकीकत अरब में इस्लाम की फतूहात का दायरा शुरू हो गया था। सूरह हुदैबिया को भी अल्लाह ताला ने फरमाया ये बहुत बड़ी फतह है जो हमने तुम्हें दी है, इंदा फतहना लका फतह मुबीना। अगले साल खैबर फतह हो गया जो सबसे बड़ा गढ़ बन गया था यहूदियों का हिजाज के शिमाली सिरे पर, अगले साल मक्का फतह हो गया। तो फतूहात का दौर शुरू हो चुका था। जब फतूहात का दौर शुरू हो गया तो जाहिर बात है अब बहुत से लोग यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, चढ़ते सूरज को तो सभी पुजारी होते हैं। अब इस्लाम का वो दौर जो था गरीबी का, और इस्लाम जो है वो कमजोर था, ज़ईफ था, वो दौर खत्म हुआ तो वो चढ़ते सूरज के पुजारियों की बड़ी तादाद इस्लाम में दाखिल हो गई। लेकिन एक तो ये उनकी दो तीन चीजें बड़ी नुमाया थी, एक तो वो आकर हुजूर पर एहसान धरते थे, देखिए हम बगैर लड़े भिड़े इस्लाम ले आए हैं, हम तो ईमान ले आए हैं। नंबर दो अखड़ थे, जो मिजाज अरब का है अखड़, अदब और एहतराम ये उनकी लुगती में नहीं थी, बहुत अखड़ मिजाज, कॉमन लुद्दा कुरान मजीद ने कहा, झगड़ालू को बड़ी अखड़ कौन। लिहाजा वो हुजूर के उस मकाम को नहीं पहचान पा रहे थे, बस मान लिया आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने मान लिया जी बस और क्या। लिहाजा उनसे बाद ऐसी हरकतें सरजद हो रही थी कि जो एहतराम रसूल के मनाफी थी, और एहतराम रसूल का के मनाफी हरकतें होंगी तो मिल्लत और उम्मत के पारा पारा होने का अंदेशा है। सीमेंट सब्सटेंस जो है जो जोड़ रहा है इन्हें, वो एक तो कानून है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम, ये कानूनी और दस्तूरी बुनियाद हो गई, और एक है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। वैसे तो मोहब्बत सबसे ज्यादा अल्लाह से होनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि अल्लाह तो वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा, उसका तो कोई तस्वूर हम करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं, करेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। जो भी जहन में नक्शा जमाएंगे वो अल्लाह तो नहीं है, कोई और शय है जो आपने बना ली। मी तराशत फिक्र माँ हरदम खुदा बंदे दिगर, नया सा नया खुदा बना रहे। लेकिन
एक महसूस पैकरे पैकरे महसूस हुजूर की शख्सियत, दिल आवेश शख्सियत, हुजूर में रहमत, हुजूर की शफकत, ये तो लोगों के सामने थी ना। हुजूर का आला किरदार, हुजूर की पाक सीरत, ये तो हुजूर के सामने थी ना। लिहाजा असल मोहब्बत का मरकज जो है वो जाते नबी बन जाती है। अज खुदा, बहुत प्यारे अल्फाज है इकबाल के, अगरचे जरा सा इसमें तजावुज है। अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी, नबी अल्लाह से ज्यादा महबूब हो जाता है। हालांकि जब आप उसूल बयान करेंगे तो वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो वाकई अहले ईमान है वो शदीद तरीन होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। और जो सूरह तौबा की आयत मैंने आपको सुनाई, उसमें भी पहले मोहब्बत खुदाबंदी का जिक्र है, फिर मोहब्बत रसूल का। अगर ये आठ चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, लेकिन अल्लाह तक पहुंचाने वाला तो मोहम्मद है ना हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पैगामात देने वाला हमें वो तो अल्लाह का रसूल है ना, मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम जो खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, वो खूगरे पैकरे महसूस मोहम्मद तो हमें नजर आते हैं, अल्लाह के बारे में तो हम कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। मोहम्मद का क्या किरदार था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के साथ, कैसा सलूक था अपनी बीवियों के साथ, आप कैसा कितनी बड़ी मिसाल थे सिपे सालारों के लिए, कितनी बड़ी मिसाल थे काजी उल कुजात लोगों के लिए, फैसले करते थे कि नहीं, काजी थे कि नहीं, कितने बड़ा उसवा थे हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए, आप उस रियासत के हेड थे उस वक्त। कौन सी हैसियत है जिसमें हम देखें कि वहां पानी को मरता है और शख्सियत जो है उतनी अजमत वाली यहां नजर नहीं आ रही, हर पहलू से अजीम तरीन शख्सियत। तो उसकी मोहब्बत और उसका इत्तेबा का जज्बा, इसके लिए भी नोट कर लीजिए, अल्लाह ताला पर भी पहले हमारे लिए लाजिम है उसकी इताअत और दूसरे मोहब्बत। अल्लाह की इताअत और मोहब्बत जमा करें तो लफ्ज बनेगा इबादत, अल्लाह की इबादत करो। रसूल के लिए भी इताअत भी और मोहब्बत भी, लेकिन रसूल के लिए इताअत और मोहब्बत को जमा करेंगे इत्तेबा बनेगा, पैरवी करो। यानी एक तो है हुजूर ने हुक्म दिया उस पर तो अमल करना ही करना है, वरना तो हम मुसलमान ही नहीं है। एक यह है कि हमने खुद देखा हुजूर क्या करते हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, मैं भी वैसे ही चलूं। हुजूर ने अपने बटन बंद नहीं किए थे, मैं भी सारी उम्र नहीं करूंगा। हुजूर फला सफर में उस दरख्त के नीचे से होकर गुजरे थे, मैं भी उधर से होकर गुजरूंगा। अब ये हुजूर का हुक्म तो नहीं है ना, लेकिन एक जज्बा है, नक्शे कदम की पैरवी, इसका नाम इत्तेबा है। तो जब इताअत के साथ मोहब्बत रसूल की शामिल हो जाएगी तो उसका नाम इत्तेबा होगा। अल्लाह का इत्तेबा हम नहीं कर सकते, अल्लाह खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर कायनात है, उसकी पैरवी कैसे करेंगे। हाँ, रसूल का इत्तेबा जो है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, नबी से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तेबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह के लिए इताअत जमा मोहब्बत मुसावी है इबादत के, और रसूल के लिए इताअत जमा मोहब्बत मुसावी है इत्तेबा के।